महाभारत में द्रौपदी का रोल निभाने वाली रूपा जी आज मेरे साथ देहरादून देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। जितनी सुंदर आप हैं उतना ही लोगों ने आपको दिलों में भी रखा है। आपका जो किरदार था द्रौपदी का, देवी का, आपने एक रोल निभाया था और आज देवभूमि में आप हैं, क्या कहेंगे, कितना प्यार है इस देवभूमि से? कई दिनों से मन कर रहा था कि एक बार आऊँ इधर, हो ही नहीं पा रहा था। एक्चुअली मार्च में, अगले साल मार्च में आने का एक मन है, पूरे चार धाम घूमना है। तो स्वामी जी मेरे यहाँ पे रहते हैं, तो गुरु जी को मैंने वह कहा भी था, तो बोला कि ये ठंड जाने दो, उसके बाद आएंगे। तो आज तो बस पैर रखने का मौका मिल गया देवभूमि में। तो देवभूमि में कहाँ कहाँ विचार है इस बार भ्रमण करने का आपका? बहुत लंबा चौड़ा प्लान है इस बार। ये तो 3 दिन का बस काम से आई हूँ, लेकिन ऐसे घूमने आऊँगी। और आपका CM भी इतना अच्छा है, ही इज़ वेलकमिंग एवरीबडी। सो और ये है भी ऐसी जगह कि यहाँ आने के बाद तो मन ही करता है कि रह जाऊँ, बहुत दिन तक रहूँ और घूमूँ, तो आऊँगी दोबारा। फिल्म फेस्टिवल में आप आई, कैसा अनुभव लेके आप जा रही हैं? ये फिल्म अभी जो आज दिखा रहे हैं हिंदुत्व, बहुत ही खूबसूरत है। वो एक डिनर में जाना पड़ेगा, वहाँ सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से उठ के चले जाएं। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, ये डायरेक्टर जो बनाए हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें, यंग जो भी टीम है आर्टिस्ट का, वो भी बहुत खूबसूरत है। ये फिल्म अच्छी चलेगी एंड पीपल विल लाइक इट, इट इज़ गॉट गुड कॉन्सेप्ट। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ रूपा जी जो देहरादून इस वक्त आई हैं फिल्म फेस्टिवल में और अपने शानदार रोल से आज भी लोगों के दिलों में राज करती हैं। मैं रेनू प्रीति, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ संवाद 365 देहरादून।